नमस्कार, जय हिंद। मैं आशीष रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि 2213 पोस्ट वाले के लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजने का ऑर्डर पास हो गया है, मुख्यालय से ऑर्डर निकल गया है, 2 जनवरी को आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड हम कुछ बात बताएंगे आप लोगों को कि क्या क्या आपको ले करके जाना है। वैसे जिनके जो संपर्क में होंगे पहले से वो तो सारे कुछ आप लोगों को बता ही देंगे, लेकिन जिन जो नहीं किन्हीं के संपर्क में है तो वो लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो चीज़ बताया जाएगा उसको आप ज़रूर करेंगे ताकि आपको आगे आसानी मिले। तो सबसे पहले आप लोग को 2 जनवरी को भेजा जाएगा। 215 सार्जेंट तो यहाँ पे आएंगे, बाकी 2000 के आसपास हैं और उनका ट्रेनिंग सेंटर डुमराव में भेजा है। तो डुमराव में आप लोगों को 4 महीना वहाँ कम से कम रहना पड़ेगा, चूँकि आप लोग जनवरी में ही यहाँ पे आइएगा, उससे पहले नहीं, सॉरी जनवरी बोल रहे हैं, अप्रैल में ही आइएगा, अप्रैल से पहले नहीं आ पाइएगा, चूँकि अब मार्च तक तो हम ही लोग निकलेंगे मार्च लास्ट में, और कुछ दिन साफ़ सफाई में लगता है तो उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आइएगा, ठीक है। बाकी वहाँ पे आपका जैसे रूम जैसा नहीं है, बैरिक जैसा है, चूँकि सिपाही का है ना, तो सिपाही का बैरिक ही रहता है, तो वहाँ पे आपको एक ही रूम में लगभग 20-25 लोग रहेंगे। और सामान वामान रखने का भी व्यवस्था आपको चौकी के या फिर जो भी मिलेगा फोल्डिंग उसके नीचे ही रखना होगा। तो आप महंगी वस्तु कोई जैसे सोना वोना वगैरह कुछ पहन के नहीं जाइएगा, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर साफ़ सफाई कर्मचारी आपको सामान ले भी सकते हैं, चोरी होगा तो फिर उसके लिए जिम्मेदार और ट्रेनिंग सेंटर वाला नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 जनवरी को आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो चूँकि बहुत ठंडे का समय रहेगा तो आप पहनने वाला अपना सामान ज़रूर रखिएगा, और कंबल 2 ज़रूर ले लीजिएगा, एक पतला सा आता है, एक मोटा ओढ़ने वाला, एक पतला बिछाने वाला जो भी बेड पे वो हो जाएगा। और इसके बाद मच्छरदानी आप ज़रूर रखेंगे, क्योंकि मच्छर उच्छर भी बहुत ट्रेनिंग सेंटर में लगता है, तो मच्छर भी काटेगा, हम लोग भी मच्छरदानी रखे हुए हैं। और इसके अलावा आप वाइट शू ज़रूर रखिएगा, अगर पहले से होगा तो सही है, नहीं होगा तो आप ले लीजिएगा, कोई भी कैंपस वगैरह का या फिर एब्रोस का भी आता है ABS करके, 1000 के आसपास में वो आपको मिल जाएगा, अच्छा रहता है। 2 गो नहीं लीजिएगा, अभी 2 गो की ज़रूरत नहीं है, आप 1 ही गो लीजिएगा, पैसा थोड़ा हम पैसा भी बचाने का आपका यहाँ पे बताएंगे कैसे कैसे आपको पैसा कहाँ कहाँ आपका बचेगा। अब पहले कोई कुछ काम नहीं करेगा, जब 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 ऑर्डर आएगा तभी तभी काम करना है, नहीं तो पहले कुछ ले लीजिएगा, बाद में पता चलता है कि वो चीज़ नहीं चलेगा, दूसरा चीज़ चलेगा। तो वाइट शूज हो गया, उसके बाद ड्रिल वाला एक जूता आता है, बूट बोला जाता है, लंबा से थोड़ा रहेगा, तो उसको आप लोग ज़रूर ले करके जाएंगे। देखिए वहाँ पे भी सब चीज़ आपको मिल जाएगा, लेकिन अचानक से जाने पे या तो बाहर में जाके लीजिएगा तो या तो पैसा बढ़ा देगा, नहीं तो फिर जैसे तैसे सी के दे देता है, तो आपका वो बहुत कम दिन चलेगा और टूट भी जाता है और फिर से आपको लेना पड़ जाएगा, इसीलिए पहले ही से ये सब आप व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद आपका कॉम्बैट ड्रेस जो भी हम लोग देखिए पहने हुए हैं, आज संडे था तो संडे में राइफ़ल साफ़ सफाई होता है, तो राइफ़ल साफ़ सफाई में यही सब ड्रेस पहन के आपको बुलाया जाएगा, आपका जब राइफ़ल ड्रिल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद से। तो कॉम्बैट हो गया, और उस पर के जो जूता आता है उसको आप लोग ज़रूर रखेंगे। चीटर अभी आपके पास वाइट है तो सही है, नहीं है तो लीजिएगा मत अभी, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि ड्रेस कोड कहीं चेंज हो गया, हम लोग को तो वाइट दिया गया है, पिछले बार ब्लू था, तो पता चलेगा कि चेंज हो गया तो फिर आपका बर्बाद हो जाएगा वहाँ पर पैसा, तो यहाँ पर आप पैसा बचा सकते हैं, बचाना नहीं है मतलब अगर आप कुछ और ले लेते हैं वहाँ पर जाने के बाद कुछ और अगर दिया जाता है तो उसमें आपका पैसा बेकार के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है दवा, दवा आप ज़रूर रखेंगे, मेडिकल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट दर्द, सर्दी, जुकाम, लैटरिंग वगैरह का, ये सब का दवा आप ज़रूर रखेंगे, गैस वगैरह का, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही जैसे आप यहाँ पर खाना आप ले घर के या फिर बाहर में कहीं भी खा रहे होंगे तो बना बनाया खाना कम लोगों के लिए बनता है तो अच्छे से बनता है, और ट्रेनिंग सेंटर में जाइएगा तो एक ही जगह आपको 500, 600 या 400 के स्टोर में बनाएगा, तो वहाँ पे तेल मसाला ये सब ज़्यादा यूज होता है, जिससे पेट में सबसे ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलता है, तो मेरा ही बार बार पेट ख़राब हो जाता था, यहाँ पर हर महीने में 2 बार ख़राब हो जाता था, तो आप ये सब दवा रखिएगा ताकि रात उत में अचानक से दर्द हो जाए तो थोड़ा सा निजात मिलेगा उससे। इसके अलावा आप दुकान वाले से संपर्क ज़रूर रखेंगे, जैसे बाहर में कोई भी आर्मी स्टोर वाला होगा ना तो उससे आप संपर्क रखिएगा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगा ताकि आप फ़ोन करके उसको पहले ही से प्रिपेयर कर देंगे। इसके बाद आपका है
बाल्टी, मग, जग, ये सब आप ज़रूर लेके जाइएगा। सेविंग किट भी रखिए, डेली दाढ़ी बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, ये सब रखिएगा। थाली कटोरा ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए वहाँ पे थाली कटोरा तो मिलेगा, लेकिन आप अपना से लेके जाइएगा तो अच्छा रहेगा, अपना यूज करिएगा तो अच्छा रहेगा। महंगी वस्तु लेकर नहीं ही जाना है। उसके बाद छुट्टी से रिलेटेड है, तो आप लोग ज़्यादा छुट्टी स्टार्टिंग में मत मारिएगा। जब तक काम नहीं पड़े तब तक छुट्टी नहीं लेना है। कोई ज़रूरी इमरजेंसी वर्क हो तभी लेना है, नहीं तो छुट्टी बचा के रखिएगा। 20 सिक और 10 TL मिलता है, यानी 10 छुट्टी मिलेगा आपको। तो सिक तो नॉर्मली जैसे अचानक से ख़राब हो जाता है, पेट वगैरह या तबीयत ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए रहता है सिक, ताकि आप रेस्ट कर सकते हैं एक दिन दो दिन तक। इसके अलावा आप इसके अलावा एक दो बातें और थी जो हम करेंगे यहाँ पे। वर्दी दो रहना चाहिए आपके पास, क्योंकि एक वो अभी देखिए वहाँ पे जाएगा ना तो कॉटन वर्दी चलेगा, लेकिन अभी आप कॉटन वर्दी मत लीजिएगा। संपर्क ज़रूर रखिएगा बाहर वाले से, ताकि एकदम अचानक से ज़रूरत पड़े तो तुरंत आप वर्दी उपलब्ध कर सकते हैं। तो वर्दी हो गया, ड्रिल जूता हो गया, वाइट जूता हो ही गया, कंबल हो गया, चीटर हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और आप लोग यहाँ राजगीर में आइएगा, अप्रैल तक आइएगा। और हाँ, लॉ की किताब आप ज़रूर रख लेंगे, जितना भी आपको बुक बताया गया था पहले, जैसे मेजर एक्ट और माइनर एक्ट होता है, तो मेजर एक्ट की बुक, थाना सरिस्ता, ये सब आप ज़रूर रखिएगा। जैसे IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट वाला, और हो सके तो उसका आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आता है उसको आप ले करके तब तक ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ते रहेंगे। बाकी वहाँ पे जो भी क्लास होगा तो वहाँ पे बताया ही जाएगा, लेकिन आप इसका तीनों चारों बुक आप ज़रूर रखेंगे, और उसका क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर वाला ज़रूर रखेंगे। क्वेश्चन सारे वहीं पर रहते हैं, वहीं से आते हैं, तो उसको आप पढ़ते रहिएगा ज़रूर। इसके अलावा अभी से आप सुबह उठने का आदत डाल लीजिए, क्योंकि आप ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। हम लोग भी आए थे बाहर से तो लग रहा था कि आज़ादी ही पूरा छीन गया है, इस तरह का महसूस होगा। और मन व्याकुल जैसा भी रहेगा, आप लोगों का लगेगा कि कब भाग जाए यहाँ पर। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं इस चीज़ को, तो आप भी इंटरेस्ट लेके चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको बोरिंग समझिएगा तो फिर एकदम बिल्कुल मन नहीं लगेगा। हम लोग को पहले मन ही नहीं लगता था, एकदम अजीब सा फील होता था, हर वक्त लगता था कि कब भाग जाएंगे यहाँ से। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी ट्रेनिंग है तो आपका 12 महीने का ट्रेनिंग होता है, 12-13 महीने का होगा पासिंग आउट परेड तक। अब हम लोग का भी होगा, अब 3 महीना लगभग बच ही गया है, तो 3 महीने के बाद अब हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे और आप लोग यहाँ पे आइएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग को राजगीर नहीं दिया, तो राजगीर में यहाँ पे खाली हो जाएगा तब आप लोग यहाँ पे ज़रूर आइएगा। वहाँ डुमराव में अच्छा है, आप इतना जान लीजिए कि यहाँ से अच्छा है इन्वायरमेंट वहाँ का। वहाँ पे भले ही रहने वहने में थोड़ा सा लगेगा कि हम लोग कैसे रह रहे हैं वैसे वैसे, लेकिन उतना नहीं ध्यान देना है। वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, आपको बाहर जाने के लिए भी मिलेगा, आप डेली भी जा सकते हैं बाहर। थोड़ा सा दूर है स्टेशन से, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा, इतना दूर पड़ेगा। और तो इतना सामान और व्यवस्था आप ज़रूर करके जाएंगे, और चूँकि पटना से नज़दीक भी है, मतलब है दूर ही लेकिन मेन रूट पे है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो अपने किसी भी संपर्क वाले के बोलेंगे, एक्सप्रेस पकड़ के 2 घंटा में आपके पास सामान हाजिर हो जाएगा, 2 से 2.5 घंटा में। छुट्टी का यूज आप लोग बहुत आराम से करिएगा, छुट्टी बचा के एकदम रखिएगा, विशेष कार्य के लिए एकदम ज़रूरी पड़ेगा तभी। फिर जैसा ज़रूरत होगा हम आपको वीडियो बना लेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप मैसेज करिएगा। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर फिर से वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।